साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर सिरसा जिला का जो चुनाव है वो 12 तारीख को वोटिंग होनी है, कल का दिन बचा और ऐसे में आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा लगभग 5 बजे, जैसा कि चुनाव आयोग की नियमावली है उसके अनुसार आज शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। ढुकड़ा गांव से हमेशा एक चेहरा सोशल मीडिया पर चर्चित रहता है, छाया रहता है, उसके आप आईडियों पर लगभग देखा करते हैं, ठीक समझे आप राजेंद्र ढुकड़ा मेरे साथ जुड़ेंगे, बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ढुकड़ा गांव के अंदर 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और ऐसे में पीछे ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ चुके और गांव से अच्छे खासे वोटों से विजेता रहे राजेंद्र ढुकड़ा, इस बार सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने अपना नामांकन भराया और ढुकड़ा गांव से सरपंची के लिए अपनी ताल ठोकी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इनके एक जो टीम है वो हमारे साथ पीछे बैठी है और इनसे राजेंद्र से बातचीत करेंगे क्या कुछ चुनाव निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी कल का दिन बचा है और परसों वोटिंग हो जाएगी और परसों शाम को ढुकड़ा गाँव का सरपंच जो है वो आपके सामने बन करके सामने आ जाएगा, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी। धरातल न्यूज के तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका खास तौर आपके चेहरे पर इस स्वागत के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही, क्योंकि युवा साथी कोशिश करता है जी और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही बिल्कुल लगातार। आपके अकेले का कॉन्फिडेंस है या पूरे 36 बिरादरी का कॉन्फिडेंस आपके साथ? मेरे गांव में जितनी गोत है कोई छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक एक आदमी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं राजेंद्र ढुकड़ा को जानता नहीं, और राजेंद्र ढुकड़ा भी आपको पूरे दावे के साथ कह सकता है गांव के अंदर कि मैं छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक जितनी गोत ढुकड़ा के अंदर है सभी के सभी को जानता हूँ। एक भी ऐसा घर नहीं है ढुकड़ा गाँव में जहाँ राजेंद्र ढुकड़ा आज तक गया नहीं है, एक भी ढाणी ऐसी नहीं है जहाँ राजेंद्र ढुकड़ा आज तक गया नहीं है, तो मेरा चेहरा तो स्पष्ट है, पूरा गांव मेरे को जानता है और मैं पूरे गांव को जानता हूं। आपने प्रत्येक जगह जाने की बात की, लोगों से मिले, आशीर्वाद में कितना आपने देखा, भी सच्चाई में आपके साथ आशीर्वाद लोगों का कितना है, धरातल पर कितना है और बाहरी आशीर्वाद कितना है? मेरे गांव के अंदर पहले जब नॉमिनेशन फाइल हुआ था तो 3 कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में जब मिल बैठ करके समाज में ये आपस में बैठ करके चर्चा हुई तो सर्व समाज ने ये फैसला लिया कि इस बार जो है वो राजेंद्र ढुकड़ा को मौका दिया जाए और आमने सामने के जो कैंडिडेट हैं उस टाइम क्या है दूसरे कैंडिडेट को मौका मिल गया लोगों के बीच जाने का, तो उन्होंने जा करके लोगों एक माहौल हो गया कि इस साइड तो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, इसलिए वो जो है जा करके माला डलने का प्रोग्राम जल्दबाजी में चलता रहा लोगों में, लेकिन जब बाद में पता चला लोगों को कि अब तो राजेंद्र ढुकड़ा मैदान में और सामने एक पक्ष मैदान में, तो फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला अलग हो गया और तुरंत ही गेम पलटना शुरू हो गया, जैसे कहते हैं ना किसी भी भाषा में कि एकदम से टर्न आ गया किसी चीज के अंदर, उस दिन के बाद इलेक्शन के अंदर टर्न आया था। तो मैं आशीर्वाद के तौर पर हमेशा ही मेरे अंदर कोई ज्यादा काबिलियत नहीं हो, लेकिन पहली काबिलियत यही है कि मैं झुक कर के प्रणाम करता हूँ, झुक कर के चलता हूँ और झुकने से जो आशीर्वाद मिलता है ना वो हमेशा ही वोटों में तब्दील होता है, और ऐसे मैंने ब्लॉक समिति के इलेक्शन में देखा है और आपके सामने है वो। तो लोगों ने आपका नाम फाइनल किया, क्या मतलब लोगों ने चीज ऐसी देखी, भी 3 प्रत्याशी जैसा आपने बताया, भी नाम और भी दौड़ में चले थे, लेकिन जो कमेटी थी, जो लोग थे जिन्होंने आपका नाम निकाला, उन लोगों ने क्या चीज देखी, क्या सेवा भाव देखी, या आपकी काबिलियत देखी, या आपकी फेस वैल्यू देखी, या आपकी बिरादरी देखी, चीज ऐसी मुख्य धारा क्या थी जिसके कारण आपका नाम निकल के लोगों ने सामने रखा? देखिए हमारे गांव में जो हमारा समाज है उसके अंदर हमेशा ही ये सर्वसहमति से फैसला होता है कि समाज की तरफ से एक उचित जो कैंडिडेट हो सकता है उम्मीदवार उसको मैदान में उतारा जाए जो अच्छी फाइट दे सके इलेक्शन के अंदर। हार और जीत तो ये चुनाव के दो पहलू होते हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे पूर्व सरपंच है हमारे अश्विनी जी कुलरिया, वो और राजेंद्र के बीच में था कि इन दोनों में से कैंडिडेट किसको बनाया जाए, तो हम दोनों ने बैठ करके मिल करके बातचीत की, समाज ने भी ये कहा कि आप दोनों बैठ करके बातचीत करो। फिर हमारे दूसरे कैंडिडेट थे सुरेश जी कुलरिया, तो हम तीनों ने
करके बैठ करके एक कैंडिडेट और भी थे हमारे समाज के, श्री घड़सी राम जी ढाडला, तो हम चारों ने बैठ करके ये सहमति जताई कि हमें जो है एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर दूसरे लोगों के जुड़ने का जो प्रभाव है वो दोगुनी ताकत से बढ़ेगा। और यही फैसला होते हुए सब चीजें देखते हुए कि नौजवान साथी है इसको मौका दिया जाए और जो संघर्ष आप सब लोग जानते हैं, पूरा इलाका जानते हैं कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि राजेंद्र ढोकड़ा के बारे में अगर कोई बात पता करना हो तो उसका तो गांव में आप किसी से पूछ लेना कि वो लड़का कैसा है, पूरा गांव आपको बता देगा कि राजेंद्र ढोकड़ा कैसा है। एक भी ऐसा कोई फील्ड तो हमें बता दे जिसमें राजेंद्र ढोकड़ा ने काम नहीं किया हो, एक ऐसा फील्ड बता दे जिसमें राजेंद्र ढोकड़ा ने काम नहीं किया। चलिए आपने काम की बात की भी, हमेशा आपने काम किया, अब लोगों की जो उम्मीदें आपसे, फिर उन उम्मीदों पर कितना खरा माने, इलेक्शन का परिणाम कुछ भी रहे, मान लीजिए कोई भी परिणाम रहता है, उसके बाद जो राजेंद्र ढोकड़ा जो पहले था क्या वो प्लेटफॉर्म पे दोबारा मिलेगा? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, परिणाम की बात आपको बता देता हूँ कि जो माला डली है ना, माला तो डल गई, लेकिन मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि अब मेरी झोली में वोट डाल दो। वोट डालने का इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं सरपंच था ही नहीं तो 2011 से लेकर के 2022 तक मैंने सेवा ही की है लोगों की, तो निश्चित ही है ना कि छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े बुजुर्गों तक सारे जानते हैं कि राजेंद्र ढोकड़ा कैसा है। और दूसरी बात यह है कि नौजवान चेहरा ही तो चाहिए, बिल्कुल, जिसको टेक्निकल नॉलेज हो वो चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी तक गांव की बात पहुंचा सके वो चाहिए, जो डिप्टी कमिश्नर तक बात पहुंचा सके वो चाहिए, जो सांसद महोदय तक बात पहुंचा सके गांव को वो चाहिए। गांव का मुखिया तो वही होगा ना जो सर्व समाज की बात सुन सके, बिल्कुल, ये नहीं है गांव के मुखिया का काम कि वो घर पे बैठा रहे और केवल ताश खेलता रहे और उसको बाकी चीजों का पता ही नहीं है। अब राजेंद्र ढोकड़ा का तो एरिया जानता है और राजेंद्र ढोकड़ा कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको राजेंद्र ढोकड़ा जिसके पास जा नहीं सकता, मेरे गांव के काम करवा नहीं सकता, एक भी ऐसी चीज नहीं है। और जब पीछे बरसात हुई थी 7 दिन लगातार, तो सबसे पहले जुत्ती खोल के निकलने वाला राजेंद्र ढोकड़ा था जो कि समाज के साथ मिलकर के काम करता है। पौधे लगाने की बात आती है तो गांव में पार्क बनाया, हमारी संस्था बनाई ढोकड़ा सोशल सोसाइटी, एक हमारे साथियों की दूसरी संस्था थी जो कि हमने हमारे गांव के अंदर अलग अलग जगहों पर पौधे लगाए, चाहे गौशाला के अंदर सहयोग करने की बात हो, चाहे पार्क बनाने की बात हो, चाहे शमशान घाट में भव्य पार्क बनाने की बात हो, कितने श्रमदान की बात है जहां पर लोगों ने बिना कोई रुपए इतनी मेहनत करते हुए युवा साथियों के साथ खेल के मैदान को छुटवाने की बात हो। आगे तो हम मौका मिलेगा तो गांव के अंदर ऐसे ऐसे योजनाएं लेकर के आएंगे जिससे लोग ये कहेंगे कि आओ चलते हैं ढोकड़ा गांव में जाकर के देख के आते हैं कि वहां ऐसे काम हो रहे हैं और बड़ी अमन चैन और खुशहाली आएगी गांव के जी अंदर। बिल्कुल, आपने एजेंडे तो सारे लगभग राजेंद्र फाइनल कर दिए, अभी आप किस तरह की योजनाएं गाँव में लेकर के आने वाले हैं? अंत में एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग ढोकड़ा गाँव के आपको देख रहे हैं इस समय? मैं आपको बता देता हूँ, मेरे गांव के अंदर जो बूढ़ी औरतें और बुजुर्ग पुरुष जिनको पेंशन लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, राजेंद्र ढोकड़ा अगर गांव का मुखिया बनता है, सेवादार बनता है, पहला काम ये होगा कि बैंक के साथी घर घर जाके पेंशन बांटेंगे। दूसरा मेरा काम ये होगा कि मेरे गाँव के अंदर सेम की समस्या है, पहला कदम जो होगा मेरे गांव में वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा करके उनसे निवेदन करके उनसे ये कहूंगा कि अभी मैं हाल ही में थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा पूरा सहयोग होगा और सेम की समस्या को मिटवाने का काम करेंगे, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है मेरे गांव के अंदर। तीसरा काम है मेरे गाँव के युवा साथियों के लिए, गाँव के अंदर ही जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाए उन साथियों को गांव के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मील और छोटे उद्योग गांव के अंदर ही खुलवा करके लेके आएंगे। इसके लिए मैं सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और प्रशासन से मिलकर के वो चीजें गांव में लेकर के आऊंगा। और दूसरी मेरी एक और सोच है कि मेरे गांव के अंदर आज तक बैंक नहीं है, एक सरकारी बैंक मेरे गांव में आएगा। और तीसरी बात, सारे गांव के लोग जानते हैं कि ये लड़का अगर गांव का सेवादार बनता है तो ये स्कूल में भी काम करवाएगा, ये लाइब्रेरी भी खुलवाएगा, ये खेल स्टेडियम भी बनवाएगा, गाँव के अंदर जहाँ सुधार की जरूरत है गलियों की वो भी ये सुधार करवाएगा,
पाएगा, क्योंकि पूरे का पूरे गांव में मेरे छोटे बहन भाई से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहने नौजवान साथी सब जानते हैं कि राजेंद्र ढुबड़ा चाहे खेल के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, रोजगार के प्रति हो, सजग है और यही सही उम्मीदवार है। इसलिए मैं यही कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे वोटर भाइयों और बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से कि मेरे को आप जो वोट दोगे तो लोग तो आपको ये कहेंगे कि चार आदमी लेकर के आओ आपका ये काम कराएंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि राजेंद्र ढुबड़ा आपके घर पर चल के आएगा, आप बताओ आपकी समस्या क्या है, निदान आपके पास राजेंद्र ढुबड़ा करके आएगा। जी चलिए शुक्रिया है कि युवा साथी, उनसे भी छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे ढुबड़ा के चुनाव को लेकर के। नमस्कार जी, सुरेश जी आपका धन्यवाद यहाँ पहुंचे आप। हमारा चुनाव देखो बढ़िया चुनाव चल रही है, बढ़िया फाइट मिल रही है दोनों तरफ से भी। पलड़ा अब हम मतदाता पर छोड़ रहे हैं, किसी को एक को नहीं कहेंगे भी हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हम हवाई बातें नहीं करने। हाँ, गांव के अंदर जो पिछले 1.5 साल से पंचायत समितियां भंग हुई है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं हम ये चाहते हैं पिछली जो प्लान था बलराम जाखड़ जी का, उनके कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रहे हैं उनके कार्यकालों को आगे गति दें और नए कार्यकाल जो 1.5 साल से निलंबित थे पंचायत समितियों के वर्क, उनको हम धरातल पर लेके आए ताकि गाँव के अंदर जो समस्याएं हैं मूलभूत उन समस्याओं का निदान हो। जी चलिए शुक्रिया। तो इसी प्रकार की और अपडेट के लिए, चुनाव की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहेगा। कैमरा सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ देश पुनिया।